सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चना, चावल के अलावा अब ये चीजें भी फ्री मिलेंगी। आइए फटाफट से जान लेते हैं। देव दीपावली पर 12 लाख दीपों से रोशन होगा काशी, इसके साथ ही कई सारे अपडेट हैं मजदूरों के लिए और घरेलू महिलाओं के लिए। पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है और साथ ही SBI की अमृत कलश स्कीम के बारे में भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले बड़ी खबर की, तो 80 करोड़ लोगों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। गेहूं, चना, चावल के साथ अब ये चीजें भी मिलेंगी फ्री, जश्न का माहौल है। न्यूज नेशन पर जानकारी दी गई है। अगर आप भी फ्री में सरकार की फ्री योजना का लाभ ले रहे हैं तो सितंबर तक EKYC करा लीजिए, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आने वाले समय पर गेहूं, चना, चावल के साथ और भी कई सारे लाभ मिलेंगे, वो भी फ्री होगा और कई जगहों पे ये सस्ते दर पर दिया जाएगा। अगर आप भी फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ गेहूं, चना, चावल ही नहीं बल्कि अन्य कई चीजें भी फ्री में मिलने की बात सामने आई है। सरकार ने पूर्ति विभाग को आदेशित कर दिया है। नए आदेश के बाद लाभार्थियों को बाजार में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन पोर्टेबिलिटी की स्कीम को अब और जोर दिया जा रहा है। साथ ही गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले सस्ते दर पर मिलेंगे। वही अब इन दुकानों पर आधार कार्ड में करेक्शन से लेकर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित कई सारे डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, यानी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो देश की पहली AI सुपरस्टार की पक्की हो गई बिग बॉस 18 में जगह। इंसानों के बीच नजर आएगी ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। रियलिटी शो बिग बॉस 18 सीजन इस बार काफी ज्यादा चर्चा में होने वाला है। जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला ये शो सलमान खान होस्ट करेंगे और बिग बॉस शो में वापसी कर रहे हैं। इस बार के सीजन की थीम समय पर आधारित रहेगी, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर आधारित होगा। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस 18 के लिए आने वाले एक कंटेस्टेंट का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि AI सुपरस्टार आने वाली है। दरअसल ये एक अवतार होगा जिसका नाम नैना है। बिग बॉस 18 के लिए नैना अवतार का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। नैना को AI से ह्यूमन अवतार देकर क्रिएट किया गया है। वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन हो जाता है कि वह इंसान है या AI से बनी कोई लड़की। वही एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए चीफ होंगे। 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे, विवेक राम चौधरी की जगह ये लेंगे। लखनऊ के 5-स्टार होटल की सैंडविच में मिला नट, यानी लोहे का नट मिला है। मैरियट में ग्राहक ने पूछा, कोई लोहा खा सकता है क्या? स्टाफ ने माफी मांगी है। लखनऊ के 5-स्टार होटल मैरियट की सैंडविच में लोहे के नट मिलने का मामला सामने आया, या देखते ही ग्राहक गुस्सा हो गया। उसने प्लेट में रखी सैंडविच का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों, 10 दिन से कम बचा हुआ है SBI की अमृत कलश स्कीम में। इसमें मिलता है 7.60% तक का सालाना ब्याज। इससे जुड़ी खास बातें आप जान लीजिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट FD की अमृत कलश स्कीम 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को FD पर 7.60% का और सामान्य नागरिकों को 7.10% का ब्याज मिलता है। 400 दिन के लिए निवेश करना होता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, FD पर SBI कितना ब्याज दे रहा है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आप अमृत कलश स्कीम पे अगर निवेश करना चाहते हैं तो 8-10 दिन बचा है, फटाफट निवेश कर दीजिए। मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा, संगठन के अस्तित्व पर पूछा था सवाल। मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन शनिवार 21 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे थे। यहां वो देर रात 1:30 बजे भारत के समय अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज और जापान के PM फुमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए थे। लखनऊ की पान मसाला फैक्ट्री में आग लग गई, 300 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मसाला सुखाने वाली हीटर से यह हादसा हुआ है। देव दीपावली पर 12 लाख दीप से रोशन होगा काशी। 15 नवंबर को होगा भव्य आयोजन, प्रशासन ने शुरू की है तैयारी। काशी में 15 नवंबर को देव दीपावली होगी। देव दीपावली पर काशी के घाट दीपों की रोशनी से नहाए दिखेंगे। दीपों की माला पहने हुए काशी के अर्धचंद्राकार घाटों की छटा अलौकिक और अद्भुत दिखाई देती है। तो रामनगर रामलीला शुरू हो चुका है। श्री राम ने धनुष तोड़ते ही लगे जयकारे। जनकपुर में विवाह की तैयारियां शुरू, परशुराम से उलझे हैं लक्ष्मण। जी हां, रामलीला हो रही है रामनगर में और काफी मजे कलाकार इसमें होते हैं, तो धनुष तोड़ते ही जयकारा लगा है। रेल हादसे की साजिश रची तो देशद्रोह का केस होगा। रेलवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में है केंद्र। उम्र कैद से मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान होगा। हाल ही के दिनों में रेल पटरियों पर लोहे के रॉड, बोल्डर, सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या रखकर बड़ा हादसा करने की साजिश होती रही है। इसके पीछे आतंकियों का हाथ हो सकता है या किसी एक मजहब का
हाथ हो सकता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। हालिया दिनों में भी ऐसे मामलों में जांच पुलिस और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन एक नियम लागू हो सकता है, देशद्रोह का केस लगेगा, उम्र कैद की सजा होगी, मृत्युदंड भी मिलेगा। तो बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बता दें दोस्तों, एक एकड़ में आप अगर बेर के पौधे लगाते हैं तो 20 साल तक की कमाई का टेंशन खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप भी खेती के जरिए लाखों रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको एक बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं। आप मोटी कमाई कर सकते हैं। एक दौर था जब लोग कहते थे कि अगर पढ़ने लिखने से मन ना लगे तो खेती बाड़ी कर लेना। जी हाँ, आज खेती बाड़ी से ही लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। बेर एक पॉपुलर फल है, इसकी खेती किसान अच्छी कमाई करते हैं। किसान आजकल मुख्य फसलों की खेती कम करके बागवानी की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऐसे में बेर की बागवानी कर किसान अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर ऐसे ही फलों की खेती होती है। 100 से 150 किलो तक फल हासिल हो जाता है। बेर में कमाई बता दे तो करीब 120 रुपए किलो के आसपास बिकता है। आवक बढ़ जाए तो 80 रुपए तक के दाम हो जाते हैं। तो पंजाब, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन जगहों पर तो हमेशा ये चीजों की डिमांड रहती है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी। ऐसे में राजस्थान के बाहरी प्रदेशों में इसकी कीमत 150 रुपए तक पहुंच जाती है। तो चाहे तो आप बेर की खेती कर सकते हैं, अच्छा खासा कमाई करेंगे। तो इन 15 बैंकों में FD अगर आप करते हैं तो 8% से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको अमीर बनाने में सिर्फ 546 दिन लगेंगे। सितंबर के महीने में 15 ऐसे बैंक है जो FD पर 8% का ब्याज दे रहे हैं। अगर आप भी FD पर 8% का ब्याज उठाना चाहते हैं तो इसमें निवेश तुरंत कर दीजिए। इसमें पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल हैं। एक एक करके सबके बारे में जानकारी फटाफट आपको दे देते हैं। देखिए, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो ब्याज दर 8.50% का है। 444 दिन की FD करानी होगी। ऐसे ही बाकी आप जनुलिक वित्त का देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख सकते हैं, सूर्योदय लघु वित्त बैंक का भी आप डिटेल देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 8.5% का ब्याज दे रहा है, 12 महीने FD करनी होगी। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 9% का ब्याज दे रहा है, 1001 दिन की FD करनी होगी। बंधन बैंक है, DCB बैंक है, RBL बैंक है, SBM बैंक है, यस बैंक है और डायचे बैंक है। ये बैंक 8% ज्यादा का रिटर्न दे रही है। तो चाहे तो FD करके अच्छा खासा रिटर्न आप पा सकते हैं। फ्री इलाज से पहले मरीजों की बढ़ गई टेंशन। यूपी वालों को राशन कार्ड दिखाने पर ही आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। अगर आप यूपी के हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड बना है तो आप सरकार का एक नियम जान लीजिए, जब आप जाएंगे फ्री इलाज के लिए तो राशन कार्ड लेकर जाना होगा। आयुष्मान कार्ड में जो नाम दर्ज है वही नाम राशन कार्ड में भी होना चाहिए, दोनों मैच होगा तभी आपका फ्री इलाज होगा। यूपी में काफी आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से बन रहे हैं और फ्री इलाज पाते हैं फर्जी तरीके से, बाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलता, इस वजह से ये नियम लागू हुआ है। राशन कार्ड कहीं से भी करा सकते हैं, EKYC DSO ने कहा है। दोस्तों, 7-8 दिन बचे हैं, अगर आप EKYC नहीं करेंगे तो अक्टूबर में आपको राशन नहीं मिलेगा। जिले के राशन कार्ड धारकों को EKYC करानी है तो जनपद के किसी भी दुकान पर जाकर फटाफट EKYC करा ले। 7-8 दिन बचा है, EKYC नहीं कराने पर अक्टूबर में राशन नहीं मिलेगा। सीएम योगी का सख्त आदेश, मंत्रियों की सरकारी मीटिंग में नहीं बैठेंगे भाजपा जिलाध्यक्ष। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा जिलाध्यक्षों को बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मंत्रियों की सरकारी बैठकों में संगठन का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं रहेगा। समाज बांटने का हो रहा है षड्यंत्र, सतर्क रहे, सीएम योगी ने कहा। सीएम योगी ने ये बातें संतों के बीच में कही। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए संत परंपरा ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, समाज को तोड़ने और बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। वही दोस्तों, भारत चेन्नई टेस्ट जीत चुका है, बांग्लादेश को 280 रनों से हराया है। अश्विन का शतक हुआ और 6 विकेट भी लिए, मैन ऑफ द मैच बने हैं। 3 इंडियन बैटर्स की सेंचुरी भी हुई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीत लिया है। इस जीत से टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। दूसरा मुकाबला 27 सितम्बर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। वही तिरुपति लड्डू विवाद पर आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम बोले, भगवान से क्षमा मांगी है, उपवास रख रहा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा, मस्जिद चर्च में ऐसा होता तो देश भड़क उठता। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर में प्रसाद लड्डुओं को जानवरों की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। इस्तीफे पर केजरीवाल बोले, लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगू तो वोट देना। भागवत से पूछा, मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की है। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र भी किया है। इस बीच इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, सत्ता और कुर्सी का लालच नहीं है,
भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा है तो दुख हुआ है। लांछन के साथ कुर्सी में सांस नहीं ले सकता, जी भी नहीं सकता। अगली बार चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा होगी, अगर ईमानदार लगू तो वोट देना। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जल्द 5G लॉन्च करेगा। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 30,000 करोड़ की डील हुई है। 4G एक्सपेंशन पर भी काम करेगा VI। वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल में 4G और 5G नेटवर्क इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए $3.6 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए की डील की है। यह कंपनी $6.6 बिलियन यानी 55,000 करोड़ रुपए के 3 साल के एम्पेक्स प्लान के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में पहला कदम होगा। तो बुक माई शो की वेबसाइट और ऐप क्रैश हो गया। ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले के कंसर्ट को टिकट बुकिंग शुरू हुई थी, अगले साल होना है परफॉर्मेंस। टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो की वेबसाइट और ऐप 22 सितंबर को क्रैश हो गया। ब्रिटिश बैंड की कोल्ड प्ले के इंडिया परफॉर्मेंस के लिए बुकिंग दोपहर 12 बजे से शुरू होने के ठीक बाद यह क्रैश हुआ है। हालांकि करीब आधे घंटे बाद बुकिंग दोबारा शुरू हुई है। आयात शुल्क घटने के बाद सोने की विदेशी सप्लाई बढ़ गई है। गोल्ड इंपोर्ट 3 गुना हो गया है। दाम 3,000 रुपए बढ़े हैं। त्योहारों में भी 30% तक मांग बढ़ेगी। देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2% यानी 2,985 रुपए प्रति ग्राम बढ़कर 74,093 रुपए हो चुका है। बजट में आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी घटने के बाद दाम जितना घटा था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग रिकॉर्ड बढ़ने वाली है। आयात शुल्क घटने से विदेश से सोना मंगाना आसान हो गया है या देश के सभी ज्वेलर्स के पास पहुंच रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में सोने की 30% ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। अमेरिकी कंपनियों का चीन से मोह भंग। 12 लाख करोड़ की 50 कंपनियां अपना कारोबार समेटेंगी, इनमें से 15 भारत आएंगी। अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव और चीन में बदलते व्यापारिक माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार वहां से समेटने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों का कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है, इनमें से 15 भारत में निवेश करना चाहती हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ACK की 306 कंपनियों की रिपोर्ट में दावा हुआ है। तो बेईमान होता तो 3,000 करोड़ खा जाता, केजरीवाल बोले दाग के साथ नहीं रह सकता। उन्होंने लोगों से सवाल भी किया, अगर मैं बेईमान होता तो क्या बिजली और महिलाओं की बस यात्रा फिर करता, सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे कर सकता था, मैं बेईमान नहीं हूँ। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में 48 हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश हुई। धर्म सभा में पहुंची पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में 48 हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। हाईवे थाना क्षेत्र के तुलसी नगर इंद्रपुरी कॉलोनी में लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म के ठेकेदार ही हिंदुओं के दुश्मन है, तिरुपति बालाजी मंदिर मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में मिलावट संबंधी चर्चाओं पर कहा कि इससे मंदिर के व्यवस्थापक और पंडों की मिली भगत की पोल खुल गई है। तो बिग बॉस 18 के लिए डॉली चायवाला ने डिमांड की है इतनी मोटी रकम। फीस को लेकर मेकर्स का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सलमान खान के शो बिग बॉस 18 को लेकर दर्शकों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लिस्ट में अब तक कई बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। बिग बॉस 18 के मेकर्स ने इस बार डॉली के नाम पर विचार किया है। यही नहीं, निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया लेकिन डॉली ने मोटी रकम मांगी है। डॉली ने 15 सप्ताह के लिए 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह मांगा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए, जिससे हम आपको फायदे की खबर दे पाए और आप उस फायदे को उठा पाए। सो दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।